So hello everyone and please welcome back again on our YouTube channel the ARC Logs. स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल the ARC Logs में. So friends, टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि अब हम किस स्कूटर के रिलेटेड रिव्यू करने जा रहे हैं. तो बने रहिए वीडियो में, आगे आपको पता लग जाएगा. So friends, आज हम बात करने वाले इंडिया में 2021 में जो BS6 सेगमेंट है 110cc का, उनमें से जो टॉप 5 स्कूटर आता है 110cc के सेगमेंट में, उनमें से वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर होंडा डियो, जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल दी ARC लॉक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी कमेंट करते रहिए आगे आपको और कौन से कार, बाइक या स्कूटर के रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा. तो बने रहिए वीडियो में, आगे आपको पता लग जाएगा. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आगे मैं आपको स्कूटर के टोटली फीचर्स डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो आइए लेट स्टार्ट द वीडियो. सो फ्रेंड्स, दिस इज योर स्कूटर. आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू, दिस इज योर 2021 BS6 होंडा डियो DX वेरियंट इन मैट सेंग्रिया रेड मेटालिक कलर, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं. आई पर्सनली रिकमेंड, एक कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा. बाकी आप कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा. और साथ ही में मैं आपको इस स्कूटर का स्लो मोशन में 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी स्कूटर दिखती कैसी है. और साथ ही में मैं स्कूटर का डायमेंशन, जो कि ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड कर देता हूँ. इस स्कूटर में आपको लेंथ प्रोवाइड की जाती 1808 mm की, देन इसका विड्थ आपको प्रोवाइड की जाती 723 mm का, देन इसकी हाइट आपको प्रोवाइड की जाती 1150 mm की, देन इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है 160 mm का, देन इसका व्हीलबेस आपको प्रोवाइड किया जाता है 1260 mm का, देन इसका टोटली कर्ब वेट आपको प्रोवाइड किया जाता है 103 kg का. सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आगे वीडियो के अंदर स्कूटर के अंदर जितने भी टोटली फीचर्स हैं डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट स्टार्ट द वीडियो. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फ्रंट वाइजर पे आपको DRL देखने को मिलता है, आप जो कि वीडियो के अंदर देख सकते हैं, हाई क्वालिटी का DRL है. देन ठीक उसके ऊपर आपको होंडा नेम की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है. देन ये देखिए इसके टर्न इंडिकेटर्स आपको बल्ब में प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पर आपको कार्बन की फिनिश प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी एग्रेसिव दिखती है लुक्स में. ये इसका LED में हेडलैम्प फ्रंट, उसके इनसाइड आपको क्रोम की फिनिश मिलती है चारों तरफ, आप जो कि वीडियो के अंदर देख सकते हैं. ये देखिए इसके टर्न इंडिकेटर्स. दिस साइड आपको DX नेम की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है. देन यहाँ पर आपको अगेन कार्बन की फिनिश मिलती है, यहाँ पर आपको मोटो स्कूटर की ब्रांडिंग मिलती है. देन फ्रंट, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर. देन फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं. देन फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है, ये आपके ब्रेक केबल्स. देन आपको इसमें ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किए जाते हैं MRF की तरफ से, जिसका व्हील साइज और टायर रेशियो दोनों आपके ऑन स्क्रीन शो हो रहा है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं ये आपका टायर सेक्शन साइज. देन यहाँ पर आपको आई होप दिख रहा होगा, यहाँ पर फॉर ट्यूबलेस की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है. देन दिस साइड देखिए कुछ इस तरीके का लुक है और उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा. आपको टोटल यहाँ पर कार्बन की फिनिश प्रोवाइड की जाती है, जो कि काफ़ी एग्रेसिव और अट्रैक्टिव लुक देती है आपकी स्कूटर को. आपका साइड स्टैंड, देन ये आपका पैसेंजर का फुटरेस्ट, देन यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन प्रोवाइड की जाती है, ये देखिए काफ़ी अच्छा दिखता है. और दिस साइड आपको डियो DX नेम की ब्रांडिंग विद HET BS6 की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है. देन यहाँ पर आपको ESP नेम की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं. ये रियर आपका पैसेंजर का फुटरेस्ट. देन यहाँ पर दिस साइड इंजन कॉल पे आपको होंडा नेम की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है. और इंजन की बात करें तो आपको इसमें 109.51 cc का फैन कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन प्रोवाइड किया जाता है होंडा की तरफ से, जिसका मैक्सिमम टॉर्क और पावर आपको ऑन स्क्रीन शो हो रहा है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं. देन रियर में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशंस.
देन रियर में आपको 130mm के ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन दिस साइड आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया जाता है। देन ठीक उसके ऊपर आपका पायलट लैम्प, उसके ऊपर होंडा नेम की ब्रांडिंग, ये देखिए। देन रियर में आपको LED में रियल टेल लाइट प्रोवाइड किए जाते हैं और टर्न इंडिकेटर्स बल्ब में प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन दिस साइड देखिए आपको यहाँ पर DODX नेम की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। देन आपका एग्जॉस्ट देखिए ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड किया जाता है। दिस साइड से आपका इंजन का मोटर एंड दिस साइड देखिए आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं आपका इंजन का कुछ पार्ट्स। देन रियर के व्हील साइज और टायर रेशो दोनों आपको ऑन स्क्रीन शो हो रहे हैं जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इसमें आपको अलॉय व्हील प्रोवाइड नहीं किया जाता, नॉर्मली व्हील दिया जाता है। ये आपका फुटरेस्ट पैसेंजर साइड का। देन इसमें मुझे पर्सनली डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी और विथ कार्बन फिनिश के साथ, बाकी आप कमेंट में बताएं। ये देखिए टोटली कार्बन फिनिश में आपको फिनिशिंग टच प्रोवाइड किया जाता है जो कि काफ़ी एग्रेसिव और अट्रैक्टिव लुक देता है आपके स्कूटर को। यहाँ पर आपको मोटर स्कूटर की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है, अगेन कार्बन फिनिश के साथ। ये देखिए आपके दोनों साइड से आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपका सस्पेंशन, ये आपका व्हील। हैंडल की बात करें तो आपको इसमें हैंडल एंड बार प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके ऊपर ये देखिए होंडा नेम की ब्रांडिंग मिलती है आपको। ग्रिप में काफ़ी स्मूथ कुशनिंग प्रोवाइड किया जाता है। देन यहाँ पर आपको दिस साइड प्रोवाइड किए जाते हैं हाई बीम लो बीम विथ पास का स्विच एक ही स्विच में। देन ठीक उसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर स्विच प्रोवाइड किए जाते हैं। देन ठीक उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच प्रोवाइड किया जाता है। देन ये आपका ब्रेक लीवर प्रोवाइड किया जाता है दिस साइड। एंड दिस साइड आपको इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट स्विच दोनों एक ही स्विच में प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन ये आपका ब्रेक लीवर। देन मीटर कंसोल की बात करें तो इसको इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। और मीटर कंसोल में कौन कौन से साइंस फीचर्स प्रोवाइड किए गए वो टोटली आपके ऑन स्क्रीन शो हो रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। आई पर्सनली रिकमेंड, काफ़ी अच्छे मीटर कंसोल प्रोवाइड किया जाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देन साइड की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर आपको साइड पॉकेट प्रोवाइड किया जाता है लेफ्ट साइड में, देखिए जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और ये देखिए बॉटम साइड को जिस तरीके से लुक है स्कूटर का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई होप DS की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है। देन दिस साइड आपको एक हुक प्रोवाइड किया जाता है अंडर सीट, ये देखिए। और यहाँ पर आपको डिज़ाइन प्रोवाइड की जाती है सम, या आपका की स्विच। यहाँ पर आपको फ्यूल और सीट ओपन लीड ओपन करने के लिए एक अलग से स्विच प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके की के ऊपर नहीं, जो कि आप अच्छा फीचर्स है, पर्सनली आई रिकमेंड। देन आपका पॉकेट, अच्छा पॉकेट स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया जाता है आपको इस पॉकेट के अंदर। देन ये देखिए दिस साइड सिर्फ आपको पॉकेट ही प्रोवाइड किया जाता है, और कुछ नहीं, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। चलिए इसका सीट ओपन करते हैं। तो ये देखिए इसमें आपको काफ़ी अच्छा ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, ये आपके टूल किट होंडा की तरफ से, सॉरी आपका फर्स्ट एड किट। ये आपका यहाँ पर देखिए वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं ठीक ठाक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है आपको अंडर सीट। चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। देन फ्यूल टैंक ओपन करते हैं। इसके फ्यूल टैंक के ऊपर भी आपको कार्बन की फिनिश देखने को मिलती है और फ्यूल टैंक आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है 5.3 लीटर का। चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। देन सीट की बात करें तो आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है 650mm का लॉन्ग सीट जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आई पर्सनली रिकमेंड, काफ़ी स्मूथ पंचिंग और कम्फर्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा सीट आपको प्रोवाइड किया जाता है इस स्कूटर में। देन ग्रिप फ्रेम हैंडल की बात करें तो काफ़ी देखिए शॉर्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है हाफ साइज़ में, काफ़ी एग्रेसिव और एकदम स्पोर्टी ग्रिप फ्रेम हैंडल आपको प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी वाइड दिखता है ये, काफ़ी स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लुक देता है आपके बाइक को एक ग्रिप फ्रेम हैंडल। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे कमेंट करते रहिए। आगे आपको और कौन से कार बाइक या स्कूटर के रिलेटेड वीडियो देखने का है, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, की स्माइलिंग, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।